सुनने से कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक ही छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है, अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो लगता है होगा डंडे से निकलते, पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुंह से निकलता है हाय रे परीक्षा। अनमोल विचार, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपना देखा है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी बनकर चलने के लिए लोग है ना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा इस दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना, उड़ान तो भरनी है चाहे हजार बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे हजार बार गिरना पड़े, सपने तो पूरे करने हैं फिर चाहे मुझे दिन रात एक क्यों न करने पड़े, थैंक यू। सही ज्ञान हमें वो देते हैं, जीवन क्या है वो समझाते हैं, जब हार जाते हैं तब वही हमारा साहस बढ़ाते हैं, ऐसे इंसान को ही हम शिक्षक गुरु कहलाते हैं। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है, टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त लेकर सिखाता है। मैं आपको बता दूं कि गुरु की क्या पहचान है, इस जहां में जो भी ज्ञान दे वो गुरु के ही समान है, जिसे देता है व्यक्ति सम्मान जो करता है, वीरों का निर्माण जो बनाता है इंसान को ही इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु, जीवन भर कितना कुछ सिखाते हैं गुरु, कुछ इस कर्ज को कोई उतार नहीं पाएगा क्योंकि अनमोल खजाना लुटाते हैं गुरु, थैंक यू। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल रह जाती मानक का इतिहास न होता। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा स्कूल का आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ी हूँ। वैसे तो आज है खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ बड़े हुए, जहां हमें अच्छे दोस्त अच्छे शिक्षक मिले, ऐसे स्कूल शिक्षक और प्यारे दोस्तों को हम अलविदा कहने वाले हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम उस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा जहां हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता ही है कि उसे अलविदा कहना पड़ता है। मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, शुरू के पहले दिन से लेकर आज तक के सभी पल मुझे अच्छे से याद हैं। दोस्तों के साथ खूब खेलना, पढ़ाई करना और छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ना, हमने ऐसे कई खुशी के पलों का पूरा आनंद लिया था। आज मैं इस स्कूल को अलविदा कहने से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे घर से दूर जा रहे हैं जहाँ हम बिना भेदभाव के अपने परिवार की तरह रहते थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमें सिर्फ अच्छी यादों को अपने साथ लेकर जाना है। इस स्कूल ने हमें बड़ा किया, शिक्षकों ने हमें जीवन का आकार दिया है और मेरे दोस्तों ने मुझे प्यार दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। मेरे स्कूल के वे खास पल और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, धन्यवाद। मेरे स्कूल के सभी शिक्षकगण बहुत अच्छे हैं और वे अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है और हर बच्चे को सामान्य अधिकार से समझा जाता है। मेरे स्कूल में हर चीज़ समय पर बताई जाती है, इसीलिए मैं अपने स्कूल के कुछ शिक्षार्थियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जीवन की आधारशिला होती गुरु के हाथों में, उनके वचनों को अपना लो, राज है उनकी बातों में, माता पिता गुरु ही सच्चे मित्र होते, उनका आदर जो न करते वो जीवन की वाजिब होते हैं। गलती पर जब शिक्षक मारे बुरा कभी ना मानो, तुम चाहो तो कभी मेधावी अच्छा बनने के ठान। राखनों आरोपियों, मैं जिस स्कूल में 6 से अब तक पढ़ी, उस स्कूल की जितनी विशेषताएं मैं कहूँ वो कम ही रहेंगी। यहाँ के टीचर्स हों या यहाँ के टीचर्स के द्वारा पढ़ाई गई हमारी शिक्षा, वो बेहद ही बेहतरीन होती है। जो
शायद अब ना हम जो हमने ली है वो आगे नहीं ले पाएंगे। इससे बेहतर नहीं होगा लेकिन इससे कम हो पाएगा, लेकिन जो हमने स्कूल में पढ़ा उस तरीके से ना हो पाएगा। इस स्कूल में जो भी टाइम हमने स्पेंड किया, हर एक पल जिंदगी में, मतलब पढ़ाई के लिए ही सिखाते हैं हर स्कूल में, लेकिन यहाँ जिंदगी में हर चीज़ पर, हर गलती पर हमें क्या फील करना चाहिए, क्या मोटिवेशन लेना चाहिए, वो हर चीज़ हमें स्कूल से मिली है। और इस स्कूल के टीचर्स ने हमें बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से सींचा है कि हम चाहकर कर भी अगर कोई गलती हमसे करवा पाए तो हम गलती ना कर पाए। इस तरीके से हमें एक एक बात अच्छे से सिखाई है। थैंक यू। टीचर हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। पढ़ना लिखना समझाने वाले, हर किताबें पढ़ाने वाले तो सभी टीचर होते हैं, पर आपने ज़िंदगी पढ़ाई है, कैसे है आगे बढ़ना और बुरी आदतों से दूर रहना और आपने ही समझाया, सारी प्रॉब्लम सुन के उनका हल बताया, आप ही के बच्चे हों ऐसा हमें फील करवाया। जिंदगी एक्चुअली क्या है, ये एहसास सिर्फ आपने ही दिलाया, समझा और समझाया, पढ़ाई का मोरल बताया, पैशन को कैसे फॉलो करें ये भी आपने ही सिखाया, खूब सारी मेमोरीज बना के आपके साथ अपनी एक अलग फैमिली सजाई है, सेवेज प्राइज देना और रियलिटी में जीना भी आप ही ने सिखाया, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के सेशंस में आपके साथ खूब मजाक किया, बहुत सारी याद हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं और दूर नहीं जाना चाहते आपसे, पर क्या करें मजबूरी है, पास तो होना ही है, अब फेल हो नहीं सकते, पर हमारे फेवरेट टीचर आप हो और वो कभी चेंज हो नहीं सकते। एंड में बस इतना कहना चाहूंगी कि टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, पर आप बेस्ट हो। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। धन्यवाद। सुनाने जा रहा हूँ आपके बीच। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर, बज़्म की बितेदा कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर, बज़्म की बितेदा कर रहा या खुदा, अब रू रख मेरी तो, या खुदा अब रू रख मेरी तो, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ, या खुदा अब रू रख मेरी तो, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ, तेरी चौखट पे सर को झुका के, तेरी चौखट पे सर को झुका के, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ, तेरी चौखट पे सर को झुका के, फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ,
अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की बितेदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा अलमदद कह कर मैंने पुकारा कि मैंने दुनिया का देखा नजारा अलमदद कह कर मैंने पुकारा कि मुझको अपनी पनाहों में रखना मुझको अपनी पनाहों में रखना बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की बितेदा कर रहा हूँ। दीपक राजपूत, आपके हर गुनाह की माफी है। आप जो रोए तो बहुत नाइंसाफी है। आपकी आंखों में ना आए कभी पानी क्योंकि आप बहने के लिए आपकी नाक ही काफी है। बहुत सुंदर। उसकी सजा का क्या जवाब दूं कि उसकी सजा का क्या जवाब दूं और अपने दोस्तों को क्या क्या दुआ दूं। कोई अच्छा सा फूल होता तो माली से कह के मंगवा लेता और जो कुछ गुलाब है तो उसे क्या गुलाब दूं।